हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज एक और वीडियो ऐड हो रहा है इस सीरीज़ में, बियॉन्ड स्नैक्स। शार्क टैंक इंडिया में आया था ये ब्रांड। सो ये एक्चुअली बनाना चिप्स बनाते हैं। सो बिना कुछ देर करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो ब्रांड है बियॉन्ड स्नैक्स, ये बनाना चिप्स बनाते हैं। अब बनाना चिप्स हमने मेनली खाए हैं कोकोनट ऑयल के फ्लेवर वाले, राइट? सो इन्होंने उसको अपग्रेड करते हुए बनाना चिप्स के डिफरेंट फ्लेवर्स बनाए हैं। तो जो मैंने ऑर्डर करा है वो ओरिजिनल कोकोनट ऑयल वाला तो किया ही है, साथ में मैंने किया है पेरी पेरी एंड दूसरा है सार क्रीम अनियन एंड पार्सले। सो जो इनकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, इस पर मैंशन है केरला बनाना चिप्स सार क्रीम अनियन एंड पार्सले सुपर थिन चिप्स, MRP 270 रुपीस, नेट वेट 300 ग्राम्स। सो ये मैंने तीन पूरा एक पैक ऑर्डर करा था अमेज़ॉन से, जो कि मुझे काफ़ी डील वाला मिला है। सो आप वहाँ से चेकआउट बिल्कुल करो। तो मैं फर्स्ट ओपन कर रही हूँ केरला बनाना चिप्स सार क्रीम एंड अनियन पार्सले। नॉर्मल है एकदम दिखने में, आप लेस का अमेरिकन स्टाइल फ्लेवर खा रहे हो बट बनाना चिप्स में ऐसा ठीक है फ्लेवर आ रहा है क्रीम अनियंस का, बट वही वाली बात है, मुझे वो अमेरिकन लेस का फ्लेवर मेरे दिमाग में आ गया इसको खाते ही। अब नेक्स्ट है केरला बनाना चिप्स पेरी पेरी। पेरी पेरी है तो ऑफ कोर्स ये देखिए थोड़ा सा रेड टच है, मुझे ज़्यादा बेटर लगा प्रीवियस वाले से। गुड। अब नेक्स्ट है केरला बनाना चिप्स ओरिजिनल स्टाइल, ये ऑफकोर्स नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। थिन तो बहुत है, आप ये देखिए थिन बहुत है, हर चिप इतना थिन है विच इज़ गुड। ये कोकोनट ऑयल में नहीं है, जो ओरिजिनल स्टाइल वाला है वो नॉर्मल रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल है, वो कोकोनट ऑयल नहीं है, कोई भी फ्लेवर नहीं आ रहा है। सो ये इसका थम्स डाउन, मुझे लगा कि मैं कोकोनट ऑयल का खाऊंगी बट नहीं, एकदम नॉर्मल था। सो इनका सबसे अच्छा मुझे पेरी पेरी लगा नंबर वन, सेकेंड सार क्रीम अनियन एंड थर्ड एकदम लीस्ट बोलूँगी इनका ओरिजिनल स्टाइल वाला, जो कि बिल्कुल फ्लेवर नहीं था, कोई कोकोनट ऑयल का नहीं था, कुछ नहीं था। सो मेरे लिए एकदम थम्स डाउन। बाकी पैकेजिंग में इनका सिंपल सा पैकेजिंग है, जिप लॉक होता तो वेल एंड गुड था, बट पैकेजिंग एकदम नॉर्मल है। केरला का टच देने के लिए इन्होंने ये प्रिंट करवाया हुआ है। सो ये नॉर्मल वाला जो है वो रिफाइंड में बना है, तो ऑफकोर्स बाकी भी रिफाइंड में ही बने होंगे, क्योंकि रिफाइंड ऑयल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो इसलिए मैं 2 मार्क्स काट रही हूँ, इसलिए मैं 8 मार्क्स दे रही हूँ इसको आउट ऑफ 10। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।